हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ मेडिका मैन ऑर्गेनिक लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक्स लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में अपने इसमें पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पज, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि इस आईपीओ को मैं इजिली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी कर सकता हूँ। बट फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी बता दूंगा। बट एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसका आज के टाइम पर इतना अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, जहां पर हमें हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। बाय द वे आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये डेवलप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है फार्मास्यूटिकल डोसेज इंक्लूडिंग जेनरिक डोसेज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट कैप्सूल ओरल लिक्विड ऑइंटमेंट जेल सिरप्स सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटिटीज एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर। काम वाइज देखते तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में 84 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं और ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स जैसे कि एंटी बैक्टीरियल एंटी डायरियल एंटी फंगल एंटी मलेरियल एंटी डायबिटिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स एंटी हिस्टामिनिक्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिपिड प्रिपरेशंस एंटी पैरासिटिक्स मल्टी विटामिन प्रिपरेशंस मल्टी मिनरल एंड NSAIDs। मतलब कि एक अच्छा खासा जहां पर हमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखने को मिल रहा है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में अफ्रीका CIS साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि कोंगो बेनिन कैमल टोंगो सेनेगल बुर्किना फासो फिलीपीन म्यांमार मोजाम्बिको टोगो बुरुंडी कायर्गिस्तान एंड केन्या थ्रू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर। और उसी के साथ कंपनी की 2 WHG GMP अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है उत्तराखंड के हरिद्वार में। और एज ऑफ September 30, 2023 कंपनी के पास टोटल 116 पीपल्स होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 21 June को, क्लोज होगा 25 June को, अलॉटमेंट होगी 26 June को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 June से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 27 June को, लिस्टिंग रेट 28 June की, फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर की, प्राइस बैंड 32 से 34 का, हमें तो अप्लाई करना है 34 बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवरसब्सक्राइब होने वाला है, 4000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, 10.54 करोड़ का है टोटल इशू जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 4000 शेयर्स का पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 की, HNE में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स में बाल कृष्ण गुप्ता कंपनी के प्रमोटर होने वाले, प्री इशू होल्डिंग थी 81.21% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 26 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2024 तक पहुंच चुके हैं 38.58 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 25 करोड़ का, 2022 में डिप देखने को मिला 21.18 करोड़ का, 2023 में 22.96 करोड़ का एंड 2024 में 25 करोड़ का ही हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 29 लाख का, 2022 में 9.23 लाख का, 2023 में 95 लाख का एंड 2024 में 2.4 करोड़ का। 2024 में एकदम से हमें इसके प्रॉफिट में काफी बड़ा इजाफा होते हुए देखने को मिला है जो हमारे मन में शंकाएं पैदा कर देता है। बट फाइनली अगर ये फिगर्स रियल है तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं, बट एज पर फिगर्स अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट हमारे मन में शंकाएं जरूर हो रही है जिसकी वजह से जहां पर हम ज्यादा इंप्रेस नहीं हो सकते कंपनी के फाइनेंशियल से। नेटवर्थ की बात करते तो 15.18 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.58 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी की 12.65 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते तो ठीक ठाक फाइनेंशियल हम यहां पर बोल सकते हैं, बट हमारे पास रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते तो इनको फंडिंग चाहिए एक्सपेंसेस के लिए, ताकि ये अपने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सके इन द इंटरनेशनल मार्केट। सेकंड, प्लांट अपडेशन एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। थर्ड, फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 39.78 करोड़ की, आरओई 19.9% की अच्छी है, आरओसी 14.5% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.83 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 15.83% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 2.39 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.51% का अच्छा है। बट एकदम से ही हमें 2024 में इनका मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, उससे पहले का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। प्री आईपीओ ईपीएस 1.11 की, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 2.21 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 30.53 की, पोस्ट आईपीओ 15.41 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रुक्स लेबोरेटरी जिसका पीयर 10.6 का, सियान हेल्थ केयर 53.84 का, जेनोटेक लेबोरेटरी 38.76 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी 176% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ फुली प्राइस होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता रहे ना ही महंगा रहे। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, जो आपका कोई भी एक्शन हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।